हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे मूंगफली की चटनी। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। अगर घर में कोई सब्जी ना हो तो झटपट ये चटनी बना लीजिए, खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। चलिए फिर झटपट रेसिपी देख लेते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक हमदिस्ता लिया है कूटने के लिए, और यहाँ लिया है मैंने 10-12 कलियाँ लहसुन, आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। मैं लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ करूँगी, इसलिए थोड़ी सी हरी मिर्च ली है। इनको हमें कूट लेनी है। ये देखिए मैंने डाल दिया है, और अभी जितना महीन हो सके उतना महीन हम कूट बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इतना मैंने कूटा है और इतना काफ़ी है। अभी हम इसको निकाल के एक कटोरी में ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये लिया है मैंने कटोरी में, और ये जो हमदिस्ता है इसमें हमें मूंगफली क्रश कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक कटोरी भर के मूंगफली ली है। मूंगफली को रोस्ट करके इसका छिलका मैंने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं जितना हो सके मैंने छिलका निकाल दिया है। अभी थोड़ा सा कूट लेना है, मतलब ज़्यादा कुछ पाउडर जैसा या बिल्कुल तोड़ लेना है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कूटना है। मतलब सारी मूंगफली आधी आधी हिस्से में टूट जानी चाहिए, और जितना हो सके उतना, या तो अपने पसंद के हिसाब से कूट लीजिए। देखिए मैंने इतना सा किया है, और ज़्यादा कूटना नहीं था इसलिए मैंने सारा एक साथ ही कूट लिया है। ये देखिए कटोरी में निकाल लेते हैं, इतना काफ़ी है। चलिए इनको हम रखते हैं साइड में। अभी चलिए कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं। तेल ज़्यादा कम कर सकते हैं, रिफाइन ऑयल है, आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। 2 चम्मच तेल मैंने डाल दिया। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरे और 1/2 टीस्पून सरसों। तेल अच्छा गर्म होना ज़रूरी है, नहीं तो सरसों अच्छे से अगर नहीं चटकता है तो स्वाद खराब हो जाता है। तो जीरे और सरसों आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चटक चुके हैं। अभी हम प्याज डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, छोटे छोटे करके काट के। प्याज को फ्राई करेंगे, तो प्याज के साथ साथ हम स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे ताकि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए। ध्यान रहे हम चटनी बना रहे हैं, मतलब सूखी होगी चटनी, तो इसलिए नमक बहुत ही ध्यान से डालिए, ज़्यादा नमक ना डालें। तो नमक डाल के हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए हल्का सा ब्राउन होने लगा है। अभी हम अदरक लहसुन और मिर्ची का जो कूट रखा था वो डाल देंगे। ये देखिए इतना डाल देते हैं, और अभी तब तक फ्राई करना है जब तक कि अदरक लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता। लगभग 3-3.5 मिनट लग जाता है। तो उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने काट रखा है बारीक बारीक, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और टमाटर डालने के बाद हमें कुछ पाउडर मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अपने स्वाद के हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है उसी के हिसाब से मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। और यह है कांदा लहसुन मसाला, ये महाराष्ट्र में अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं आता है, नहीं मिलता है, तो आप इसको आराम से स्किप कर दीजिए। और ये पाउडर भी काफ़ी तीखा होता है। तो 1 टीस्पून डाला है मैंने कांदा लहसुन पाउडर, और ये है 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। और सबके साथ हम डालेंगे 1/4 टीस्पून शाही गरम मसाला। 1/4 टीस्पून शाही गरम मसाला मैं ले रही हूँ, क्योंकि जो कांदा लहसुन मसाला है उसमें गरम मसाला भी होता है, इसलिए मैंने थोड़ा कम करके ही डाला है। अगर आपने कांदा लहसुन मसाला नहीं डाला तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ हमें कड़ी पत्ते भी डालने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7-8 कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने, डाल दिया। अभी हम मसालों को भूनेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मसाले जले ना। जैसे कि हम ग्रेवी के लिए मसाला भूनते हैं वैसे, थोड़ा सा पानी डाल के ढक ढक कर पकाएंगे। जब तक कि हमने जो पानी डाला है ये सूख नहीं जाता, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता, और ऊपर से तेल नहीं दिखता, मसाला तेल रिलीज़ करना चाहिए। तो देखिए थोड़ा पानी मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी ढक ढक कर पकाते हैं, हीट को रखते हैं मीडियम पर, या तो मीडियम टू लो पर भी रख सकते हैं। चलिए फिर ढक देते हैं।
देखिए दोस्तों, थोड़ी थोड़ी देर में मैंने ढक्कन हटाकर चला दिया था और चेक भी किया था, और अभी देखिए ऊपर से तेल भी दिख रहा है और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अभी आप चाहते हैं तो टमाटर को मैश कर सकते हैं ताकि एक सॉसी टेक्सचर बने, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा सा मैश कर ले रही हूँ। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है चटनी के लिए। अभी हमने जो मूंगफली रखी थी भून कर कूट कर, वो मूंगफली यहाँ पर हमें डाल देनी है। देखिए डाल दिया मैंने, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हीट को अभी बिल्कुल कम रखना है, बिल्कुल लो पर रखना है, ज़्यादा रखा तो मसाला जल सकता है। यह है थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक चम्मच जितना कसूरी मेथी को मैंने भून कर रखी थी, तो इसको हाथ पर ऐसे घस कर डाल देंगे। देखिए बिल्कुल चूर चूर हो गई है, और कसूरी मेथी भून कर यूज़ करने से बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और आपके पास अगर फ्रेश हरा धनिया है तो वो भी डाल दीजिए, मेरे पास नहीं है तो मैं स्किप कर रही हूँ। अच्छे से मिला लेंगे और हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अभी हम हीट बंद कर देंगे और चटनी को सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दिखने में कितनी बढ़िया दिख रही है, और खाने में ये बहुत ही बढ़िया है। रोटी पराठे के साथ ये बिल्कुल जम जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर घर में कोई सब्जी नहीं है तो आप आराम से इस चटनी को बना सकते हैं, बहुत ही झटपट बन जाएगी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और ट्राई किया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और हाँ, इस चटनी को दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।